अंबाला शहर में दैनिक जागरण द्वारा मिस और मिसेस फैशन शो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शो में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच दिकरन मिस और आईफा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हर्षरण कौर को मिसेस दैनिक जागरण से नवाजा गया। वहीं मिस अंबाला वर्ग में प्रतिका प्रथम और मिसेज अंबाला में हरमनजोत को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके की। कार्यक्रम में महिलाओं ने चूल्हे चौके और व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर मंच पर अपने जलवे बिखेरे। इस कार्यक्रम में लगभग 50 महिलाओं ने भाग लिया था। ज्यादा जानकारी देते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाएं अलग अलग फील्ड से आई हैं। मेयर ने कहा कि सभी महिलाओं ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया। हर स्टेट ऑफ लाइफ से आई है, मैंने यहाँ देखा है, कोई घरेलू थी, कोई टीचर्स थी, कोई प्रोफेशनल्स थी, हर फील्ड से यहाँ पे उठ के आई है। और सबसे बढ़िया देखने की बात ये थी कि इतनी फ्री थी वो और इतनी अनकॉन्शियस थी कि किसी में भी ज़रा भी हेजिटेशन नहीं थी। बहुत अच्छा लगा कि उनको इतना एक ओपन एनवायरमेंट मिला ताकि वो अपने आप को दर्शा सके। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जागरण का और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ष ये इसी तरह करते रहें। मिस और मिसेस फैशन शो में जीती युवतियों ने बताया कि मिसेस अंबाला बनकर बहुत अलग लग रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वहीं मिस अंबाला का खिताब जीतने वाली युवती ने बताया कि कंपटीशन में यही सोचकर पार्ट करती है कि या तो क्राउन मेरा होगा या मैं सबकी हो जाऊंगी, और आज मिस अंबाला बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट थीम रखी गई थी और सभी मंचों से अनुरोध है कि इस तरीके की कंपटीशन करवाते रहने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय मैम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय सेल्फ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आके, मतलब घर से उठ के एक बहुत, मैं आज मिसेज अंबाला बनी हूँ तो अलग ही फीलिंग आ रही है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे में भी कुछ जज्बा है, मैं भी कुछ आगे आ सकती हूँ, बहुत सारे अच्छे काम कर सकती हूँ। थैंक यू। मिसेज अंबाला बनने के बाद मैं अंबाला में सफाई व्यवस्था करवाऊंगी। मैंने बोला कि मैं सफाई मतलब कराऊंगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं कराऊंगी, जितनी मैं एबल हो पाऊंगी इसके लिए मैं ज़रूर कराऊंगी। मैं कोई ना कोई ऐसा कदम मिलके रोटरी क्लब को या कुछ करूँ या कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी जितना मेरे से बन पाएगा। थैंक यू। तो आज 2 मार्च 2023 को मिस अंबाला कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया एंड थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी एंड जजेस एंड आई एम सो मेसमराइज्ड बाय द कंटेस्टेंट एंड डेफिनेटली जब मैं किसी कंपटीशन में स्टेप अप करती हूँ तो इसी कॉन्फिडेंस से करती हूँ कि या तो क्राउन मेरा हो या फिर मैं सबकी हूँ। एंड यहाँ पे आके मैं सबकी भी हुई, क्राउन भी मेरा हुआ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई मदर हु प्रिपेयर्ड मी वेल। एंड डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट थीम रखा गया एंड आई एनकरेज दैनिक जागरण, कला मंच एंड एक्सेट्रा मंचेज लाइक देम कि वो ऐसे ही ऐसी स्कीम्स को आगे लेके आते रहे, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते रहें और प्यारी प्यारी गर्ल्स को आगे लेके आएँ, उनके टैलेंट को इन्हांस करें और डेफिनेटली वन डे आर कंट्री इज़ गोइंग टू शाइन। थैंक यू। अब अखंड ज्योत दिव्य सी जलेंगी बेटियाँ, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियाँ, रणक्षेत्र का है युद्ध का ऐलान हो चुका, रणक्षेत्र का है युद्ध का ऐलान हो चुका, हर राह में आगे बढ़ खुद माथे पे भस्म भूत मलेंगी बेटियाँ। और चार पंक्तियाँ बताते हुए कि दर्द बन जाए दहाड़, दर्द बन जाए दहाड़, अब ऐसी आवाज़ उठानी है, मर्दों पर भी जो भारी पड़े उसी का नाम मर्दानी है। धन्यवाद।